ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या ये सब? तुम्हें क्या लगता है ये स्टूपिड हरकत करके तुम मुझे मना लोगी? हद होती है दूसरों को बेवकूफ समझने की। पहले मनमानी कर लो, उसके बाद जबरदस्ती अपनी बात बनाने की कोशिश करो। पर एक बात याद रखना नायरा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी इन चक्करों में आने वाला नहीं। वाओ! थैंक यू भाभी, दिस इज सो कूल। आप बहुत अच्छी है भाभी, हमारी सब बात मानती है। वी लव यू भैया। आज हम दोनों इसमें ही सोएंगे। भाभी आप हंस क्यों रही हैं? कोई जोक है क्या? जोक ही तो है लव, किसी के भरोसे को तोड़कर उसे चूर चूर कर देना। मजाक ही तो बना दिया लोगों ने। कुछ भी बोलते रहो और दूसरा अपने कानों में रुई डाल के दिमाग की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठा रहे, ये भी तो जोक ही है। खुद गलती करके दूसरों को दोष देना ये भी मजाक ही है आजकल। और बिना गलती के सजा देना ये भी तो जोक ही है, नहीं? कुछ लोग जितने सीधे दिखते ना बाहर से उतने होते नहीं है। और कुछ लोग तो बस और कोई बात नहीं करनी मुझे। पर मुझे तो करनी है बात, पर प्यार वाली, खुशियों वाली। और मुझे पता है वो हम बहुत जल्द कर रहे होंगे। किट्टू, दादी प्लीज, मुझे पता है आपको क्या कहना है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये नायरा और मेरा आपस का मामला है और हम आपस में सॉर्ट कर लेंगे। बहुत समझदार हो गए ना किट्टू, जो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हो। ऐसी बात नहीं है दादी, पर आजकल इस घर में सबके मन में क्या चल रहा है ये अच्छे से जानता हूँ, इसलिए। अगर जानते हो तो क्या कर रहे हो उस बारे में? मैंने कहा ना मैं कर लूंगा दादी, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जाओ किट्टू। वो समझदारी वाली बात ताना थी जो तुम समझे नहीं। अगर समझदार होते तो ये बेवकूफिया नहीं करते जो अभी कर रहे हो। समझदार नायरा है जो अपनी जिम्मेदारी समझ के घर वापस आ गई ताकि दिवाली की पूजा हम एक साथ कर सके। अगर तुम समझदार होते। प्लीज दादी, प्लीज, आपको कुछ पता नहीं है इसलिए आप मत कहिए। मुझसे जो हो रहा है मैं कर रहा हूं। क्या कर रहे हो किट्टू? और अगर कर रहे हो तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, जबकि नायरा के जतन हमें दिखाई दे रहे तो तुम्हारे क्यों नहीं? नायरा के चेहरे पे हमें समझदारी और कोशिश दिखती है और तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा और बेवकूफिया। मुझे जो ठीक लगता है मैं कर रहा हूँ। ठीक वही नहीं होता जो हमें लगता है, कभी कभी ठीक उसके बिल्कुल उल्टा होता है। और ये तो तुम भी मानोगे किट्टू कि नायरा कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसे अपनों को क्या किसी पराए को भी नुकसान तो हो चुका है। दादी मेरी बहन की शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो उससे प्यार नहीं करता, और मैं जानते समझते हुए भी उसे रोक नहीं सका क्योंकि नायरा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद तुम्हें नायरा ने नहीं, हमने किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम वो शादी रोक दो। आपने बंद किया था मुझे? हाँ, हम ही ने किया था। की मंशा बिल्कुल सही है किट्टू, और उसका इरादा भी, उसने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। वो सच्ची है, ईमानदार है, और सबसे बड़ी बात वो बहादुर है। उसने किसी को धोखा नहीं दिया, जो भी किया सोच समझ के और तुम्हें बता के किया, जबकि
हम डर गए, हम घबरा गए और हमारे काम को अंजाम दिया चोरी छुपे। तुम्हारे अपराधी तो हम हैं किट्टू, लेकिन हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि उसके बदले में हमने अपनी पोती की खुशियां पाई है किट्टू। नायरा ने सही कहा था तुमसे, पहले नक्श ने रिश्तों के दबाव में आके मंजूरी दी थी, लेकिन अब वो कीर्ति को पसंद करता है। यही होता है अरेंज मैरिज बेटा। हमारी और तुम्हारे दादा की शादी, तुम्हारे माँ और पापा की शादी, अखिल और सुरेखा की शादी, नायरा के माता पिता की शादी, तुम्हारे और नायरा की तरह लव मैरिज नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें प्यार नहीं था। दो इंसान जब शादी के पवित्र बंधन में बन जाते, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उनमें प्यार हो ही जाता है किट्टू। नायरा ने भी इस रिश्ते को वैसा ही एक मौका देने की कोशिश की जिसमें गलत कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बात ना सुन के ना समझ के तुमने गलत किया। तुम कहते हो कि उसने विश्वास तोड़ा है, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो किट्टू? विश्वास के साथ साथ रिश्तों को और दिलों को भी ठेस पहुंचा रहे हो तुम। थैंकफुली चोट ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें पेन किलर दिया है जिससे इन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। ये कुछ मेडिसिन है जी। हुआ क्या था कार्तिक? माँ गिरी कैसे? तुम थे वहां, पैर अटका, कहीं पैर स्लिप हुआ बताओ। नहीं पता नहीं, आप सब प्लीज टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने कहा ना कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप सब आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। मैं भी यही रुक जाती हूँ, अगर रात को जरूरत पड़ी तो मैं रुक जाती हूँ। ठीक है तुम लोग रुक जाओ, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम सबको बुला लेना, हम आसपास ही हैं बेटा। जी के दिन एक्सीडेंट। इस बात को और नया मोड़ मत दो सुरेखा, हो जाता है कभी-कभी, इट्स ओके। हम तो शुक्र मनाना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। मैं तो डर ही गया था एक बार को। जायज है मनीष जी, माँ है वो आपकी, पर डॉक्टर से बात हो गई है ना, उन्होंने कहा है कि जो भी है वो बाहरी चोटें अंदरूनी चोटें नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। कार्तिक नारायण ने संभाल लिया, शायद संभाल लिया होगा, वो दोनों वही है। भगवान करे सुबह तक आपसी टेंशन भी दूर कर लें और सुबह उठते ही माँ जी को ये खुशखबरी दे दें अपने पैचअप की, उन्हें बहुत टेंशन है। हाँ सुरेखा, भगवान करे जो तुम कह रही हो सच हो जाए। चलो भाई सो जाओ सर। हाँ चलिए भाई सर, गुड नाइट। भगवान करे इस रात की सुबह और भी सुंदर हो। कमरे में बंद तुम्हें नायरा ने नहीं हमने किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुमको शादी हो। भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया,
रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या, कहलाता है। तुम चाहो तो सो जाओ, मैं हूं यहां पर, मैं जाग रहा हूं। नहीं मैं ठीक हूं, अभी बाद में सोचाऊंगी। अब मैंने कह दिया तो तुम क्यों सोगी? हमेशा अपनी मन की करनी होती है ना तुम्हें। मुझे तो नहीं, पर तुम्हें हमेशा अपनी मन की करवानी होती है। एनीवेज मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, तुम्हें जो करना है तुम करो, गुस्सा करना है गुस्सा करो, ठीक से रहना ठीक से रहो, तुम्हारी मर्जी। सॉरी, मैंने तुम पे जो इल्जाम लगाया था मुझे रूम में बंद करने का, उसके लिए I'm sorry. मुझे पता चला कि वो तुमने नहीं किया था। दादी और मैं उसी बारे में बात कर रहे थे जब ये सब हुआ, पर सॉरी मैं सिर्फ उसी बात के लिए हूं, नक्श और कीर्ति वाली बात के लिए मेरा स्टैंड अप भी वही है। I know, करते मैं जानती भी हूँ और समझती भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है।